84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर निवेदन किया बल्कि वो लोग पकड़े गए, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। लेकिन जो आज यहां बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूं, जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजस्थान गए, और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, इस सदन से दो महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ, कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला। और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसिकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस के एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब? 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है ना इंटेलिजेंस दे रही है, कोकराझार की बात करते हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबरी में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता। आज महोदय, जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार